तो ऑल राइट गाइस, ये मुझे पता है कि आपको अभी तक स्कूल एंड कॉलेज में पूरे साल भर कोई टेंशन नहीं रहती होगी, आप लोग मस्ती करते होंगे, पर टेंशन तो अब होगी भाई, क्योंकि फेयरवेल पार्टी में आखिर पहनना क्या, ये हर एक बच्चे का कंफ्यूजन है। एंड भाई सब लोग चाहते हैं भाई कि वो सबसे ज्यादा स्टाइलिश दिखे उस दिन, सब लोग उन्हीं को नोटिस करें, पर वो थोड़े से ना कंफ्यूज भी रहते भाई कि आखिर ऐसी कौन सी ड्रेसिंग करें भाई कि लोग सबसे ज्यादा हमें ही नोटिस करें। तो अगर आपके भी मन में कंफ्यूजन है कि भाई फेयरवेल पार्टी में आखिर क्या पहन के जाना है, तो बेशक ये आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो काफी हेल्पफुल, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप फेयरवेल पार्टीज में कौन कौन से आउटफिट्स को पहन सकते हो। हाँ, मतलब आउटफिट सजेशन ही दूंगा। सो वेलकम व्हाट्सअप गाइस, दिस चैट अविष्कार सिंह परियार एंड यू आर वाचिंग फैशन ऑन योर टिप्स। तो करते हैं शुरुआत, चलिए। तो गाइस, जो सबसे पहला एक आउटफिट है वो है टू पीस सूट आउटफिट। तो गाइस, अगर आप उस दिन थोड़ा सा मैच्योर वाला लुक चाहते हो, थोड़ा ज्यादा फॉर्मली ड्रेसअप करना चाहते हो, तो आपको एक ब्लेजर लेना है, वो भी न्यूट्रल कलर में। एंड मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप प्लीज ब्लैक कलर को अवॉइड करें भाई, क्योंकि ब्लैक बहुत ही कॉमन हो चुका है, और भाई ऊपर से ये फेयरवेल पार्टी है, आप कोर्ट में केस लड़ने नहीं जा रहे हो, तो ब्लैक कलर अवॉइड करो। अगर ब्लेजर्स के कलर की बात की जाए भाई, तो आप लाइट ग्रे ले सकते हो, चारकोल ग्रे ले सकते हो, मैरून ले सकते हो, ऑलिव ग्रीन ले सकते हो, डार्क ब्राउन ले सकते हो, बेज कलर ले सकते हो। और टू पीस सूट का मतलब ये है भाई कि जिस कलर का आप ब्लेजर लेंगे, आपको उसी सेम कलर का ट्राउजर्स भी लेना है। एंड अगर आप फेयरवेल में ये वाला आउटफिट कैरी करें, तो मेक श्योर कि जो इसके अंदर आप शर्ट पहनेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा दूसरी नहीं होनी चाहिए। एंड इसी में एक और टिप मैं ये दूंगा कि अगर आप इस आउटफिट के साथ बेल्ट पहनते हो, तो मेक श्योर कि जो आपका बेल्ट का कलर है और आपके जो शू का कलर रहेगा वो सेम होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप बेल्ट नहीं पहन रहे, तो एक बार इस आउटफिट को ना व्हाइट स्नीकर के साथ जरूर पेयर अप करके देखना, आपको लोग नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा। दूसरा आउटफिट है गाइस, ओवरकोट विद टर्टलनेक आउटफिट। तो देखो गाइस, ये एक ऐसा आउटफिट है जिससे अगर आप फेयरवेल पार्टी में पहन के चले जाते हो, तो 99% चांसेस है कि भाई दूसरे लोग तो आपको नोटिस तो करेंगे ही। भाई मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई सारे फेयरवेल ऐसे देखे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ कोट पैंट पहन के ही आते हैं, भाई ओवरकोट को स्टाइल करके कोई नहीं आता। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है, अगर आपको दूसरों से स्टैंड आउट होना है, आपको दूसरों की नजरों में नोटिस में आना है, तो ओवरकोट को जरूर स्टाइल करें। सो गाइस, इस आउटफिट को क्रिएट करने के लिए आपको एक ओवरकोट लेना है जो कि ब्लैक ग्रे एंड कैमल कलर का ही होना चाहिए। उसके अंदर से सिर्फ आपको ब्लैक कलर के टर्टलनेक स्वेटर के साथ ब्लैक कलर की जींस पहननी है। एंड अगर फुटवेयर की बात की जाए कि इस आउटफिट के साथ आप कौन से फुटवेयर पहनेंगे, सो ऑलवेज प्रेफर ब्लैक कलर के चेल्सी बूट्स। भाई आप इस ओवरकोट के आउटफिट को कैजुअली भी स्टाइल कर सकते हो, बस आपको क्या करना है कि जो टर्टलनेक की जगह आपको टी शर्ट पहन लेनी है एंड बूट्स की जगह आपको स्नीकर्स पहन लेने हैं। दैट्स ऑल, यू लुक गॉर्जियस। तो गाइस, जो तीसरा आउटफिट है वो है एक वेस्ट कोट स्टाइल। तो भाई अगर आप उनमें से हो जिन्हें स्टाइलिश तो दिखना है, पर भाई हमें उतना एफर्ट भी ना करना पड़े, तो गाइस इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कोई भी लड़के हो, चाहे कैसे भी लड़के हो, आपको बस एक बार अपने वार्डरोब के अंदर झांक के देखना है, आपको एक व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक पैंट और व्हाइट स्नीकर तो जरूर मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी आउटफिट को उठा के पहन लेना है। बट वेट, इस आउटफिट में जो एक्स फैक्टर है जो कि आपके इस सिंपल से आउटफिट को काफी ज्यादा स्टाइलिश बना देगा, वो ये कि आपको इस सिंपल से आउटफिट में एक ब्लैक कलर के वेस्ट कोट को भी ऐड करना है, जो कि आपके आउटफिट को ज्यादा शार्प, ज्यादा एजी और हाँ ज्यादा क्लासी बना देगा। एंड इस आउटफिट को पहनने के बाद देन यू विल रियलाइज कि भाई हाँ, हमें तो ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ा और फिर भी आज फेयरवेल पार्टी में सब लोग मुझे ही घूर रहे थे। और भाई मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है, तो भाई जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इतनी हेल्पफुल टिप्स दे रहा हूँ भाई तुम लोगों के लिए सिर्फ। एंड हाँ, मैंने आज के इस वीडियो के लिए भी अपना एक वेस्ट कोट पहना हुआ, जैसे कि आप ये ब्लैक कलर के देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लैक कलर का वेस्ट कोट, आप थोड़ी सी इसकी फिटिंग भी करवा सकते हो अपने हिसाब से। चौथा आउटफिट गाइस, ऑल ब्लैक डेनिम लुक। अब देखो, ये तुम्हें भी अच्छे से पता है और मुझे भी अच्छे से पता है, वो क्या कि फेयरवेल पार्टी में लगभग लोग फॉर्मल्स पहन के ही आने वाले हैं। तो अगर तुम थोड़ा सा क्राउड से अलग दिखना चाहते हो, आप अपनी वाइब को अपने आउटफिट की हेल्प से चेंज करना चाहते हो, देन ऑलवेज गो फॉर दिस रॉ ऑल ब्लैक डेनिम आउटफिट। भाई सिर्फ इसका ना नाम ही भारी है, इस आउटफिट को ना क्रिएट करने में भारी मेहनत नहीं लगने वाली है। सिंपल ब्लैक डेनिम जैकेट खरीद लो, एक ब्लैक टी शर्ट खरीद लो, एक ब्लैक जींस खरीद लो, अगर थोड़ी सी डिस्टेंस मिलेगी तो और अच्छी बात है, और ब्लैक कलर के बूट्स पहन लो, या हाँ ब्लैक स्नीकर भी चल जाएंगे। एंड यार गाइस, इस आउटफिट को पहनने के बाद आप ज्यादा मस्कुलर लगोगे, अगर आपको बैड बॉय स्टाइल बहुत ही पसंद है भाई, तो इस आउटफिट की मदद से आप वो अचीव कर पाओगे, और हाँ वो रफ एंड टफ वाला लुक आपको इससे मिल जाएगा। भाई अगर ये वाला आउटफिट आप पहन के चले गए, तो लड़कियां टोटली फ्लैट, लड़कियां सिर्फ आपके साथ ही सेल्फीज
खिंचवाएगी और हाँ फिर आप आके मुझे चैनल पे आके थैंक यू बोलोगे। बट हाँ आप प्लीज सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। पांचवा आउटफिट है बंद गला एंड ट्राउजर आउटफिट। बंद गला भाई ये तो एथनिक वेयर फेयरवेल में कैसे चलेगा भाई? हेल जा मेरे भाई बता रहा हूँ। भाई सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि तुम लोग से ये किसने कह दिया कि फेयरवेल पार्टीज में एथनिक वेयर को नहीं पहन सकते, सिर्फ फॉर्मल्स को पहन सकते हैं? भाई एथनिक वेयर को पहन सकते हैं, बस शेरवानी पहन के मत जाना। भाई अगर आप सही से कैटी करोगे तो एथनिक वेयर से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। हाँ मैं ये मानता हूँ कि एथनिक वेयर को संभालना थोड़ा सा तामझाम तो है क्योंकि आपको डांस भी करना रहता है भाई। और भाई लोग इसीलिए ना एथनिक वेयर को ना फेयरवेल में प्रेफर नहीं करते हैं, पर तुम जरूर करना क्योंकि भाई तुम्हें तो दूसरों से हटकर दिखना है ना। एंड मुझे पता है कि अगर आप एथनिक वेयर को कैरी करोगे फेयरवेल पार्टीज में तो आपको डांस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने सेफर साइड में खेल के आपके लिए ये आउटफिट निकाल के लाया है। और ये पर्टिकुलर एक ऐसा आउटफिट है जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप डांस करो चाहे आप कुछ भी कर लो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप दूसरों से हटकर दिखोगे। बस आपको एक मैरून कलर के बंद गला को ब्लैक कलर के ट्राउजर्स एंड ब्लैक कलर के फॉर्मल शूज या लोफर्स के साथ पेयर अप करना है। बंद गला ब्लेजर आप अपने कलर चॉइस के हिसाब से भी ले सकते हो। वैसे मरून एंड ब्लैक ये मेरा पर्सनल फेवरेट कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। एंड इस आउटफिट के साथ आप एक्सरसाइज करना बिल्कुल मत भूलना। आपको एक सिल्वर वॉच पहननी है, सिल्वर कलर का आपको ब्रेसलेट पहनना है, आप इसे गोल्ड से भी रिप्लेस कर सकते हो। एंड यार देन यू आर गुड टू गो। और बस मैं फाइनल टिप यही देना चाहूंगा कि जो भी आप आउटफिट पहने उसका फिट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे से फ्रेग्रेंस लगा के जाओ, वेल ग्रूम्ड होके जाओ। और हाँ स्कूल एंड कॉलेज का लास्ट डे रहेगा भाई, तो थोड़ा थोड़ी कुछ मत करना, स्कूल एंड कॉलेज में कोई नुकसान ना करना क्योंकि अगर आप गलती से पकड़े गए तो आपका फेयरवेल तो छोड़ो फिर आपका जुलूस निकलेगा। तो गाइस बस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सभी आउटफिट आइडियाज को देखने में बड़ा मजा आया होगा। एंड आप कमेंट करके ये बताना कि आप अपने फेयरवेल में कौन सा आउटफिट को पहनने वाले हो। वीडियो में मजा आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टाइल इंस्पिरेशन चाहिए तो अपना इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा। स्टे सेफ स्टे स्टाइलिश।